तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ ही मार। नतीजे हमारे फैसलों से बदल जाया कर। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन। हिंदी सिनेमा में खास जगह बनाने वाले देओल परिवार से अब एक नया सितारा बॉलीवुड में जगमगाने को तैयार है। यह है सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल, जो अपनी फिल्मी पारी शुरू करने वाले हैं। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र जी ने अपने पोते के बॉलीवुड डेब्यू का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया है। राजवीर के डेब्यू के लिए देओल परिवार ने अपनी सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई सफल और यादगार फिल्में देने वाले राजश्री फिल्म्स बैनर राजवीर को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहा है। ये एक लव स्टोरी होगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में अवनीश बड़जात्या भी बॉलीवुड में निर्देशी की पारी शुरू कर रहे हैं। अविनाश सूरज बड़जात्या के छोटे बेटे हैं। धर्मेंद्र अपने पोते राजवीर देओल को सिनेमा की दुनिया से परिचय करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इन दोनों बच्चों को अपना प्यार और स्नेह प्रदान करें। शुभकामनाएं और दुआएं। दोस्तों, गुंडा नंबर वन एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन अवनीश बड़जात्या करेंगे। इस फिल्म का निर्माण राजश्री बैनर के तले किया जाएगा। इस फिल्म में राजवीर देओल और कोई न्यू एक्ट्रेस मुख्य भूमिका में नजर आएगी। ये राजवीर देओल की पहली फिल्म है। दोस्तों, गुंडा नंबर वन तेलुगु फिल्म का रीमेक होगी। एक जवान लड़का राजवीर और एक जवान लड़की कृति की कहानी होगी। दोनों की आंखें मिलती हैं, प्यार हो जाता है, फिर दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। प्यार होगा तो उसके दुश्मन भी होंगे, लाजमी है। बस प्यार के इन्हीं दुश्मनों से जूझने की कहानी है गुंडा नंबर वन, जिसमें राजवीर और कृति अपने प्यार को बचाने की खातिर हर ताकत से लड़ने को तैयार है। और फिर बदसतूर खून खराबा समाज के ठेकेदारों और रिश्तेदारों से जंग। और ये फिल्म एक्शन से भरपूर मनोरंजक रोमांटिक फिल्म होने वाली है। छोटे बेटे के डेब्यू पर उत्साहित सनी देओल ने ट्वीट किया, मेरा बेटा राजवीर बतौर एक्टर अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। राजश्री प्रोडक्शन ने राजवीर देओल और अवनीश बड़जात्या के साथ एक आधुनिक लव स्टोरी का ऐलान किया है। एक खूबसूरत यात्रा शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की पहली फिल्म और राजवीर देओल को बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखना पसंद करेंगे या नहीं। आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और राजवीर देओल की पहली फिल्म के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।